तो जिन भाई का कमेंट्स था कि सरार भैया आप एक बार चेक कर लो कि वाटरप्रूफ होती है या नहीं नहीं होती, तो उन भाई के लिए ये वीडियो काफी खास होने वाली है। इसरार ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ दिख रहे लाल बटन को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड लास्ट में लाइक करना मत भूलें। थैंक यू। हेलो यू ना, सभी का स्वागत है मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों मैं हूं इसरार और आप देख रहे हैं इसरार ऑफिशियल चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम LED वॉच की वाटर टेस्टिंग करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं कि ये वाली वॉच जो है वाटर प्रूफ होती है या फिर नहीं होती है ना। अभी देखो पूरा पैकेट बंद है और इसको मैंने एक बार यूज़ भी नहीं किया है, लेकिन ये ऑन है, जैसा कि मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ ताकि बाद में कोई क्लेम ना कर सके। ये देख, ठीक है, ऑन है ना बिल्कुल। तो अभी हम इसको पैकेट से निकालेंगे और पैकेट से बाहर निकालने के बाद इसको हम क्या करेंगे, फिर इसको हम डालेंगे पानी में। वीडियो में दोस्तों बने ना, वीडियो में बहुत कुछ आज सीखने को आपको मिलने वाला है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये हमने पैकेट से निकाल लिया इसको, है ना, ये हमने पैकेट से निकाल लिया। देन अभी ये ओपन हो चुका है और इसके जो गत्ते लगे हैं साइड से हम इसको निकाल लेते हैं, है ना, ये हमने निकाल दिया। ठीक है, अभी आप देख पा रहे होंगे ये वॉच जो है बिल्कुल ऑन है ना, चल रही है। और अभी हमने मार्केट जब इसको ख़रीदा था अभी एक बार भी इसको यूज़ नहीं किया, सिर्फ हमने टाइम सेट करना और डेट सेट करना बताया था। उसके बाद आज हम जो है वाटर टेस्टिंग कर रहे हैं, तो पानी बिल्कुल लपालप भरा हुआ है ना, आप देख पा रहे होंगे। और अभी हम इसको पानी में डालेंगे, टन टन, ये देखो हमने डाल दिया इसको पानी में। ठीक है, ये देखो पानी में बिल्कुल ये तैर रहा है, ये देखो हमने अंदर इसको डाल दिया। उसके बाद फिर ये वापस से ऊपर आ जा रहा है। अभी हम इसकी चेक करेंगे कि आखिर ये वाटर प्रूफ है या नहीं है। वैसे पानी के अंदर तो हमने पूरा टोटल इसको डाल दिया है, ये देखो, लेकिन फिर भी ये ऊपर आ जा रहा है, लेकिन बुलबुलू कहीं से नहीं आ रही है और ना ही लग रहा है कि इसके अंदर पानी जा रहा है। लेकिन बाद में हम जब निकालेंगे उसके बाद देखेंगे कि बंद हुआ है कि नहीं है। अगर बंद हो जाएगा तो वाटर प्रूफ नहीं है, और अगर नहीं बंद हुआ तो प्रूफ हो जाएगा कि ये वाली वॉच है वाटर प्रूफ है। तो अभी आप देख पा रहे हैं धीरे धीरे ये अंदर जा रहा है पानी के अंदर, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये ऊपर तैर क्यों रहा है। जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, अभी हम इसको पानी से बाहर निकालते हैं, ये देखो। ओहो क्या बात है दोस्तों, कुछ भी नहीं, फ़र्क ही कुछ नहीं पड़ा दोस्तों। ये देखो एक बूंद पानी अंदर नहीं गया, एक बूंद पानी अंदर नहीं गया, है ना, ये देखो। और ये ऊपर तैर भी रहा है, ये देखो। जब ये ऊपर आ गया तभी मैं समझ गया था कि यार ये वाटर प्रूफ है ना, ये देखो। तो जिन भाई का कमेंट्स था कि सरार भैया आप एक बार चेक कर लो कि वाटर प्रूफ होती है या नहीं नहीं होती, तो उन भाई के लिए ये वीडियो काफ़ी खास होने वाली है। ये देखो आप, इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप इसको आराम से यूज कर सकते हो, पानी में भी इसको यूज कर सकते हो, है ना, ये देखो वाटर प्रूफ है। लेकिन मैं कहूँगा कि इसको संभाल के यूज करना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वाटर प्रूफ है तो इसको पहन के नहाए भी हम, बारिश में भी पहने, है ना, तो ऐसा नहीं। लेकिन हाँ ये श्योर है कि ये वाटर प्रूफ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना, चैनल वगैरह और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। रखिएगा अपना ख्याल, नई वीडियो के लिए तब तक के लिए बाय।